मोदी 3.0 की शपथ ग्रहण समारोह की आज तैयारी हो रही है। सुबह जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की है अपने दिन की, पहले बापू की समाधि स्थली पहुंचे फिर आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले चर्चा हो रही है संभावित मंत्रियों के नाम की। तस्वीर अब साफ होने लगी और साफ हो चुकी है। फर्स्ट इंडिया ने वो संभावित चेहरे भी आपको बताए थे, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आज का दिन कैसा रहा है और आगे कैसा रहेगा, हालांकि अब ये भी कहा जा रहा है कि जो संभावित चेहरे हैं जिसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय पर चर्चा की है, वो चेहरे फिलहाल रेस्ट करने के लिए गए हैं, क्योंकि अब शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचना है और शपथ लेनी है। खुद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं राजस्थान से संभावित मंत्री कौन कौन से हैं, जरा देखिएगा। तो देखिए ये वो नाम, सबसे पहले जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, वहीं अलवर से भूपेंद्र यादव, अजमेर से भागीरथ चौधरी। ये बेहद महत्वपूर्ण है नाम, हमने आपको बताया, लेकिन अब समझ लीजिएगा। जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ी जीत हासिल करी थी, उन्होंने हराया था करण सिंह उचियारडा को, जो कि कांग्रेस ने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। बीकानेर से अर्जुन मेघवाल, काफी हॉट सीट ये रही थी, हॉट सीट इस लिहाज से क्योंकि चर्चा इनके सामने वाले प्रत्याशी की भी थी जब दोनों एक साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। बड़ी जीत अर्जुन मेघवाल ने वहां से हासिल करी, हालांकि फिर उसको लेकर भी कुछ चर्चा हो रही थी, बीते चुनावों के नतीजों से उसको तुलना किया गया था, कंपेयर किया गया था, लेकिन वहां हम इसकी चर्चा उस ओर नहीं करेंगे क्योंकि अब नतीजों के आगे सरकार गठन की ओर सभी की निगाहें हैं। अलवर से भूपेंद्र यादव, ये दिग्गज नेता राजस्थान से, और जिस तरह से इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है चुनावों में, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि अन्य प्रदेशों की कमान जब भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें सौंपी तो एक बड़े और वरिष्ठ नेता के तौर पर इन्होंने साफ किया कि काफी अनुभवी है ही, अपने अनुभव का लाभ पार्टी को कैसे दिलाते हैं वो भी भूपेंद्र यादव ने कर दिखाया। और ऐसे में अब ये संभावित मंत्री राजस्थान से, वो भी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र से, अलवर से इन्होंने ललित यादव को हराया जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी। अब अजमेर से भागीरथ चौधरी, जिन्होंने भी बड़ी जीत हासिल करी, कांग्रेस से प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी को इन्होंने मैदान में हराया था चुनाव में, नतीजे जब सामने आए थे तो शुरुआती रुझानों में ही अलवर और अजमेर की तस्वीर साफ हो गई थी। जिस तरह से काउंटिंग शुरू हुई थी, काउंटिंग का दौर चला था, तो शुरुआत से एक कंपटीशन उस वक्त दिखाई नहीं पड़ रहा था, शुरुआत से बढ़त बनाए हुए थे, फिर जीत हासिल करी और अब राजस्थान से संभावित मंत्री सामने आ रहे हैं। चलिए अब राजस्थान के बाद गुजरात का नंबर आता है, गुजरात से दिखाते हैं कौन से संभावित मंत्री, आइए देखिएगा। ये गुजरात से अमित शाह गांधीनगर, वहीं मनसुख मांडविया पोरबंदर से, साथ ही साथ सीआर पाटिल नवसारी से इनकी नाम की चर्चा है। अमित शाह तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, गृह मंत्री के तौर पर 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी तो अमित शाह को बड़ा प्रभार और गृह विभाग जैसा विभाग अमित शाह ने संभाला। गांधीनगर से 7.5 लाख से अधिक की जीत अमित शाह ने दर्ज। पोरबंदर से मनसुख मांडविया, ये केंद्र में मंत्री रहे। तो चलिए अब गुजरात के बाद आगे बढ़ते और बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के संभावित मंत्री कौन से हैं, आइए देखिए। तो देखिए लखनऊ से राजनाथ सिंह के नाम की चर्चा है, राजनाथ सिंह। इसके अलावा पीलीभीत से जितेंद्र प्रसाद के नाम की चर्चा, महाराजगंज से पंकज चौधरी के नामों की चर्चा। राजनाथ सिंह जिन्होंने लखनऊ से बड़ी जीत हासिल करी और जो महकमा इनके पास था 2019 से लेकर के 24 के दौरान जब कैबिनेट चली तो इन्हें रक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी और रक्षा विभाग में इन्हें अपने द्वारा लिए गए फैसलों के लिए भी काफी जाना गया। जो बड़े फैसले रक्षा महकमे ने लिए, जिस तरह से भारत को मजबूती देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कालखंड के दौरान की थी, और साथ ही साथ जो फैसले रक्षा क्षेत्र में हुए थे, चाहे भारत को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इजाद करने की बात हो, थल जल वायु सेना को मजबूत करने की बात हो, जो फैसले राजनाथ सिंह के कालखंड में और रक्षा मंत्री के तौर पर हुए वो चर्चाओं में रहे। इस वजह से एक बार फिर लखनऊ से राजनाथ सिंह को एक बार बीजेपी से संभावित मंत्री के तौर पर और एनडीए सरकार के मंत्री के तौर पर अब देखा जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है, हमारी सहयोगी भी कह रही थी कि इनका गत
इनका कद नहीं घटेगा, क्योंकि अब जब पोर्टफोलियो की चर्चा हो रही है नामों के साथ साथ कि किसे कौन सा विभाग, कौन सा महकमा मिलेगा, कौन सा प्रमुख महकमा, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कृषि हो, इसके इतर जो अन्य महकमे हैं, रक्षा की बात हो, ये किसके हाथों रहेगा, ये किसे मिलेगा, इस पद पर कौन आसीन होगा। तो हमारी सहयोगी ने साफ किया था कि देखिएगा महत्वपूर्ण महकमे, अभी तक यही उम्मीद है, इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। पीलीभीत से जितिन प्रसाद के नाम की भी चर्चा है, तो वहीं महाराजगंज से पंकज चौधरी के नामों पर चर्चा है। हालांकि यूपी पर नजर सभी की थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 33 ही हासिल कर पाई, तो ऐसे में अब उत्तर प्रदेश को लेकर पार्टी किस किसे चुनेगी और किसी किसे मौका देगी, इसकी चर्चा सर्वाधिक हो रही थी। और ऐसे में यह भी बताया जा रहा है कि पार्टी अपने पुराने चेहरों पर दाव लगाने की तैयारी में, ज्यादा परिवर्तन नहीं करेगी। और देखिएगा इसी को लेकर और आपको जानकारी देगी, यूपी से संभावित मंत्री और भी इस फहरिस्त में शुमार हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए लखनऊ, पीलीभीत, महाराजगंज को हमने देखा, इसके इतर यूपी से और कौन कौन से संभावित मंत्री हैं, क्योंकि सभी समीकरणों को साधना है। ये देखिएगा आरएलडी, ये घटक दल जिसकी चर्चा रही है, जयंत चौधरी का नाम प्रमुखता से आया है। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल, जो कि जेडीएस, अनुप्रिया पटेल जो कि घटक दल एनडीए की एक सहयोगी दल, ये भी इनका नाम भी सामने आया है, अनुप्रिया पटेल। इसके अलावा बीएल वर्मा, बीजेपी बीएल वर्मा को भी यूपी से संभावित मंत्री के तौर पर देख रही है। अब जयंत चौधरी जिस तरह से आरएलडी से प्रमुख के तौर पर जयंत चौधरी का नाम सामने आया और जो जीत हासिल करी है यूपी में, उस जीत की भी चर्चा हुई है। अनुप्रिया पटेल ने भी ये साफ किया था के एनडीए को जो समर्थन उन्होंने दिया है वो बना रहेगा, और ऐसे में अब ये जानकारी आ रही है कि संभावित मंत्री के तौर पर अनुप्रिया पटेल को भी देखा जाएगा। इसके अलावा बीएल वर्मा बीजेपी से, ये भी नाम, जातिगत समीकरणों को साधने की भारतीय जनता पार्टी की तैयारी, और ये यूपी से संभावित मंत्री। और इसी बीच मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे, जोधपुर हाउस पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे सीएम बृजलाल शर्मा। ये तस्वीरें क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद अहम है। एक तरफ जहां सीएम बृजलाल शर्मा ने इन दो दिनों के भीतर कई बड़े फैसले लिए हैं, जनता को राहत देने के लिए, किसानों को राहत देने के लिए सम्मान निधि को भी बढ़ाया गया है 2000 रुपए तक, और इसके अलावा पेयजल को लेकर के भी काफी गंभीर वो दिखाई दिए, पेयजल प्रबंधन को लेकर के बैठक मुख्यमंत्री ने ली। लेकिन ये भी कहा गया था कि चूंकि आज शपथ ग्रहण समारोह है तो दिल्ली पहुंचेंगे, और दिल्ली पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत किया गया है गुलदस्ता भेंट कर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी राजीव गौड़ जोधपुर से जुड़े हैं। राजीव जी, मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा पहुंचे हैं दिल्ली, अब जानकारी दीजिएगा आज का दिन किस तरह से रहा है ओवरऑल, और मंत्री परिषद का गठन को लेकर भी चर्चा हो रही है, शपथ ग्रहण समारोह भी होना है, कैसे देख रहे हैं राजनीति में आज के दिन को? देखिए बृजलाल बहुत साधारण से कार्यकर्ता, संगठन के कार्यकर्ता, और ऐसे में जब उनके नेतृत्व में जो सरकार बनी है, और देखिए चुनाव में हार जीत चलती रहती है, कई समीकरण काम करते हैं, कई फैक्टर काम करते हैं, उनके चेहरे पर तेज देखिए, अब दिल्ली में पहुंचे हैं, उनका वेलकम हुआ है, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे, और राजस्थान से चूंकि 4-4 मंत्रियों को जब नंबर लग रहा है तो ऐसे में मुख्यमंत्री को खुशी होना लाजमी है। और देखिए कि लगातार वो कोशिश भी कर रहे हैं, जो 100 दिन का कार्य योजना बना करके जो कोशिश की है, काफ़ी कुछ फर्क पड़ा, लेकिन इस चुनाव की बात करें, मंत्रिमंडल की बात करें, तो ऐसे में गजेंद्र सिंह शेखावत को जब यहाँ से अवसर मिला, और देखिए एक बाउंडिंग देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा के साथ शेखावत की जो बाउंडिंग है वो इतनी गजब की है, यहाँ जब भी आते हैं कामकाज एक दूसरे मिलकर किस तरीके से करते हैं, हालांकि बाउंडिंग सबके साथ बृजलाल शर्मा की अच्छी है, लेकिन ये जो 4 मंत्री बने हैं, इन 4 मंत्रियों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी पूरे राजस्थान प्रदेश के विकास की है। हो सकता है आगे आने वाले समय जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कुछ और लोगों को भी स्थान मिल सकता है, लेकिन बड़ी बात यह है गजेंद्र सिंह शेखावत को कैबिनेट में 3री बार स्थान मिलना, अर्जुन राम मेघवाल को 3 बार 3री बार स्थान मिला, भूपेंद्र यादव जो हैं वो पुराने अनुभवी हैं, और भागीरथ चौधरी को जिस तरीके से अवसर मिला अपने आप में एक बहुत ही सुखद जो कहा जा सकता है राजस्थान के लिए है। और देखिए राजनीति को अगर बहुत निकटता से देखें तो जब जिम्मेदारी मिलती है, जब कामकाज करते हैं, तो कई तरह के
संभावनाएं भी सामने आती हैं और आगे अच्छे से अच्छे काम करने के रास्ते भी खुलते हैं। तो निश्चित रूप से राजस्थान के लिए बड़ी बात है कि चार चार मंत्रियों को वहाँ प्रतिनिधित्व मिला है। उस वक्त कि जब आप सहयोगी दलों के साथ मिलकर के सरकार बना रहे हैं तो समझा जा सकता है कि और अधिक विकास राजस्थान का होने वाला है। जी बिल्कुल राजीव जी, बने रहिए। बीकानेर से भी संभावित मंत्रियों के नाम हैं, सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, लगातार नामांकन दाखिल करने से लेकर के फिर नतीजे जब आते हैं, तो आपने बात की सबसे पहले अर्जुन मेघवाल से, अब फिर बीकानेर से उनका नाम सामने आया है। क्या लगता है, अब महकमा तो क्योंकि साफ नहीं है कौन सा मिलेगा, लेकिन कौन से मुद्दे बीकानेर से उठाने वाले हैं अर्जुन राम मेघवाल? लक्ष्मण, संसद पहुंचकर देखिए, निश्चित तौर पर अर्जुन मेघवाल, मैं 2009 से ही उन्हें कवर कर रहा हूं और अर्जुन मेघवाल निश्चित तौर पर उनका तीर निशाने पर लगता रहा है। और यहां पर आप देखिएगा, लोग इतना स्नेह है उनका, यहां मिनिएचर लेकर खड़े हैं, कितना मतलब स्नेह है इनकी चेहरे पर, मुस्कान ये बता रही है कि अपने नेता को लेकर कितने उत्साहित ये हैं। क्या कहेंगे भैया? हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में उनको जगह दिया और हम बीकानेर की देवतुल्य जनता के आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने जीताकर यहाँ से पार्षद भी हैं। आप क्या कहेंगे, क्या लगता है मंत्रालय का कुछ पता चला क्या? आप लोग तो खास लोगों में शुमार होते हैं। मंत्रालय पता नहीं चला, लेकिन क्या जो भी करेंगे मोदी जी बढ़िया करेंगे और ये हमारे राजस्थान और बीकानेर दोनों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लगता है कि अर्जुन जी से इस बार आस रहेगी? बीकानेर में निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा है कोटगेट फाटक का, और निश्चित रूप से इस बार इस कोटगेट फाटक की समस्या का समाधान होगा, ये भी हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। तो देखिए सिखा, विश्वास है। और देखिए सबसे बड़ी बात है, चार नाम है, अभी चारों नाम में चारों के चारों तीन कैबिनेट बनते हैं, एक स्टेटर बनता है, ये भी देखना होगा क्या इनमें से कहीं कोई और कोई ताजपोशी ना हो जाए, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अर्जुन मेघवाल इस मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, ये पहले दिन से जब जीते उसके बाद से ही जब अर्जुन जी से हम बात हो रही थी, हालांकि तब उनको लग रहा था कि उनकी एंट्री होगी, वैसा ही हुआ है, बड़े दलित चेहरे के तौर पर पहचान। और सबसे बड़ी बात, अगर हम देखें बीकानेर के आसपास जितनी सीटें हैं, चूरू ले लीजिए, गंगानगर ले लीजिए, तो यहाँ पर कमल केवल अर्जुन मेघवाल खिला पाए हैं, तो ये भी एक बात थी। दलित चेहरे के तौर पर जो पड़ोसी सीट है वहां से प्रियंका बालन चुनाव हार गई थी, राजस्थान में भी कमोबेश यही स्थिति, तो इस बात का भी उन्हें फायदा मिला। और दूसरी सबसे बड़ी बात, वो विनम्र है, मेहनती है और मोदी और शाह की पसंदीदा है, ये सबसे बड़ी बात है, जिसके चलते अर्जुन मेघवाल जो है एक बार फिर से मंत्रिमंडल में भी राजस्थान की पगड़ी छाई रहेगी, ऐसा यहाँ के लोगों को निश्चित तौर पर नजर आ रहा है। और अर्जुन मेघवाल के परिजनों से भी हमारी बातचीत हुई, वो भी बेहद निश्चित तौर पर उत्साहित और प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो अपने आप में महत्वपूर्ण, चार बार आप सांसद बनते हैं और तीन बार मंत्री, तो ये बताता है उनके सियासी सफर को भी, सियासी कद को भी, कि अर्जुन मेघवाल का कद भाजपा में क्या हो गया है, कितने महत्वपूर्ण वो भाजपा के लिए हैं, ये बताने के लिए काफी है। 2009 में पहली बार सांसद बने थे शिखा, आपको मैं ये भी बता दूं कि टेलीफोन ऑपरेटर से उन्होंने अपना शुरू किया था जीवन, जिसे कहिएगा, उनके एक परिजन भी एक तरह से उनके बहुत नजदीकी है। क्या कहना चाहेंगे, कितने खुश हैं? हमारे सहित पार्टी के सभी कार्यकर्ता, घर के परिवार के सभी व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत आभार व्यक्त करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने बीकानेर के लोक लाडले सांसद का फिर से मंत्री बनने के लिए सौभाग्य प्राप्त कर। मिठाई मिठाई बांट नहीं रहे आप लोग, क्या बात है? बिल्कुल, मिठाई हम बहुत जल्दी बांटेंगे, शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके बाद मिठाई। हमारा 7 बजे पार्टी कार्यालय बड़ा कार्यक्रम है जहां प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण समारोह, फटाके भी छोड़ेंगे, मिठाई भी बांटेंगे, ढोल नगाड़ेंगे। अनुशासित है, इनका कहना है जब तक शपथ ना लें तब तक हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि सभी संगठन से जुड़े लोग हैं, तमाम लोग हैं। आप क्या कहेंगे भाई? संगठन से जुड़े हुए हैं, इस कारण से मिठाई शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही बांटेंगे। देखिए कुल मिलाकर आतिशबाजी भी होगी और मिठाइयां भी बटेंगी, लेकिन सब समय से होगा। इनका कहना यह है, अर्जुन मेघवाल के लिए, उनके परिवार के लिए ही नहीं, बीकानेर के लिए, राजस्थान के लिए बड़ा दिन है कि अर्जुन मेघवाल लगातार तीसरी बार मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा होने जा रहे हैं आज जब वो शपथ लेंगे। और देखिएगा, एक व्यक्ति ब्यूरोक्रेट से सियासत में आता है और यहां भी बेहतर प्रदर्शन करता है, बहुत मुश्किल सीट थी इस बार भी ये कहा जा रहा था, लेकिन अच्छा चुनाव अर्जुन मेघवाल एंड टीम ने लड़ा, जिसका परिणाम सामने है कि अब अर्जुन मेघवाल न केवल दिल्ली पहुंचे बल्कि वो मोदी 3.0 के हिस्सा भी होंगे। शिखा बिल्कुल लक्ष्मण, और इसी वजह से लगातार चर्चा भी हो रही है मोदी 3.0 की। हालांकि यही वो संभावित नेता के तौर पर फर्स्ट इंडिया लगातार दिखा रहा है जो संसद में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे, यहां की जनता की आवाज को वहां तक पहुंचाएंगे और समस्या का निस्तारण करेंगे। और चर्चा हो रही है मोदी कैबिनेट और आज के शपथ ग्रहण समारोह की। मोदी 3.0, आज का दिन बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि सभी की निगाह इसी पर है कि
जब तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे तो फिर उनके साथ इस बार मंत्रिमंडल में कौन होगा, क्योंकि समय बदला, समीकरण बदले, कितना ख्याल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार रखती है वो देखना होगा। आपको लगातार संभावित मंत्रियों के नाम बता रहे हैं, हर राज्य से, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से हमने चर्चा करी, अब बिहार की बारी। चलिए, गुजरात से भी संभावित चेहरे और अब बिहार झारखंड से संभावित मंत्रियों के नाम। सबसे पहले नाम आ रहा है जीतन राम मांझी का, गया से ये चुनाव जीते और अब ये संभावित मंत्रियों में शुमार हो सकते हैं। रामनाथ ठाकुर राज्यसभा सांसद जेडीयू और इनका नाम भी चर्चाओं में है। इसके बाद चिराग पासवान हाजीपुर एलजेपी, रामविलास इनका नाम भी संभावित मंत्रियों के नाम में शुमार। उजियापुर से नित्यानंद राय। और देखिएगा, जब मोदी कैबिनेट की चर्चा हो रही है तो फिर इस बार बिहार की धूम की बात सामने आ रही है। बिहार की धूम के साथ साथ इस बार जो सहयोगी दल है उसकी भी बल्ले बल्ले होने की बात सामने आ रही है बिहार से, क्योंकि अब जिस तरह से जातिगत समीकरणों का ख्याल बिहार में रखा जा रहा है, जो सहयोगी दल है, कुछ और नाम भी है, चलिए वो बताते हैं, फिर इस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। देखिए, मुंगेर से ललन सिंह के नाम, जो कि प्रभावशाली नेता माने जाते हैं नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में, इनका कद सर्वाधिक और प्रभावशाली बताया जाता है। बेगूसराय से गिरिराज सिंह के नाम की चर्चा है, ये भी एक बड़े नेता है। इसके अलावा गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी के नाम की चर्चा है और अन्नपूर्णा देवी कोडरमा इनके नाम की भी चर्चा है, यानी कि संभावित मंत्री बिहार से जो डिजिट है वो बिहार से, अब पहले 2019 में बिहार से जो मंत्री बनाए गए थे वो चार थे, संख्या चार थी, और अब इसकी डबल यानी कि आठ संभावित मंत्री बिहार से बताए जा रहे हैं। जेडीयू से नामों की चर्चा है ललन सिंह की, वहीं अगर चिराग पासवान की बात करें, क्योंकि शानदार प्रदर्शन बिहार में उनकी पार्टी का रहा, पांच सांसद उतारे मैदान में और पांचों ने जीत दर्ज की। चलिए, अब इसके बाद महाराष्ट्र को लेकर कौन कौन से वो संभावित चेहरे हैं, आइए देख लीजिएगा मोदी 3.0 की तैयारी और महाराष्ट्र से संभावित चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। गोवा और महाराष्ट्र के संभावित चेहरे, नागपुर से नितिन गडकरी, किसी परिचय के मोहताज नितिन गडकरी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने परिवहन महकमे की और सड़क परिवहन महकमे की जिम्मेदारी संभाली थी और एक बार फिर नागपुर से बड़ी जीत नितिन गडकरी ने हासिल करी, तो इसलिए एक बार फिर इनका नाम मंत्रिमंडल में शुमार। पीयूष गोयल मुंबई नॉर्थ, ये भी केंद्रीय मंत्री रहे और एक बार फिर पीयूष गोयल के नाम की चर्चा हो रही है। वहीं रावेर से रक्षा खड़से, इसके इतर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से नारायण राणे, ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में इनका कद भी अधिक रहा है, लेकिन रक्षा खड़से की एंट्री यहाँ हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी, जिस हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, हालांकि ज्यादा बदलाव कहा जा रहा है कि 2019 से 2024 के मंत्रिमंडल में नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जब बदलाव की बात आती है तो कुछ प्रमुख नाम ऐसे भी हैं जो कि अब सामने आ रहे हैं जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि किस नेता का प्रभाव कैसा रहा है और किस नेता की भूमिका पार्टी में कैसी रही है, उसका भी खास ख्याल रखा गया है। लेकिन देखिएगा, महाराष्ट्र गोवा से संभावित मंत्रियों के नाम, नितिन गडकरी को लेकर यह भी जानकारी है, क्योंकि अब क्योंकि गठबंधन की सरकार बनी है, अन्य सहयोगी दलों का साथ भारतीय जनता पार्टी को लेना पड़ा, 240 सीटें इस बार चुनाव में पार्टी ने हासिल करी और ऐसे में पोर्टफोलियो की बात हो रही थी। अब महाराष्ट्र से गोवा से कुछ और नाम आपको बता देते हैं। रामदास अठावले राज्यसभा सांसद, इनका नाम भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में शुमार। पुणे से सांसद मुरलीधर बोहोल का नाम, बुलढाणा से सांसद प्रतापराव जाधव और इसके अलावा गोवा उत्तर से सांसद श्रीपद नाइक के नाम की चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र और गोवा में भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है महाराष्ट्र के लिए भी, क्योंकि महाराष्ट्र में भी एनडीए अलायंस, एनडीए का प्रदर्शन इतना खास नहीं रहा, इंडी अलायंस ने वहां पर बाजी मारी, क्योंकि 48 में से 30 सीटें इंडी अलायंस को मिली, वहीं एनडीए 17 पर, इसलिए महाराष्ट्र के समीकरणों का भी खास ख्याल रखा गया है। इसके इतर शिवसेना शिंदे को भी साधने की बात आ रही थी, उससे भी पद देने की बात आ रही थी और ऐसे में रामदास अठावले का भी नाम सामने आया।
महाराष्ट्र गोवा के बाद अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस इन चुनावों में सबसे श्रेष्ठ रहा है। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के संभावित मंत्री पर। तो सबसे पहले विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे और इन्होंने 800,000 से अधिक मतों से जीत हासिल करी और एक रिकॉर्ड बनाया। जो नाम सामने आए जिन्होंने सबसे अधिक मतों से जीत दर्ज की, उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम भी आया। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने गुना से बड़ी जीत हासिल करी थी और इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर केंद्रीय मंत्री के तौर पर, क्योंकि इससे पहले भी इन्हें बड़ा महकमा दिया गया था, उड्डयन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब धार से नाम आ रहा है सावित्री ठाकुर का, क्योंकि मध्य प्रदेश में पार्टी का जो प्रदर्शन रहा, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और इन लोकसभा चुनाव में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना, जहां सुपड़ा साफ कांग्रेस और अन्य दलों का हो गया। तो ऐसे में वहां के समीकरण और वहां से कौन मंत्री रहते हैं वो काफी प्रमुख रहा। और चलिए मध्य प्रदेश के संभावित नामों के बाद अब देख लेते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से कौन कौन, क्योंकि यहां भी भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा। देखिए सिकंदराबाद से जी किशन रेड्डी, जो कि संभावित मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके इतर करीम नगर से बंडी संजय कुमार का नाम, श्रीकाकुलम से राम मोहन नायडू, वहीं गुंटूर से पी चंद्रशेखर पेमा सानी के नाम का की जानकारी सामने आई। अब आंध्र प्रदेश से भी समीकरण काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो नतीजे आए थे, तो ऐसे में वहां का राज कई वर्षों का जब खत्म हुआ और एक बार फिर सरकार आई, टीडीपी प्रमुख जिनका समर्थन भी मिला भाजपा सरकार को टीडीपी का, और ऐसे में चंद्रबाबू नायडू, तो ये समीकरण भी काफी अहम थे कि उस महकमे से कौन कौन से नाम सामने आते हैं। हालांकि ये भी जानकारी आई कि चंद्रबाबू नायडू ने कोई मांग नहीं रखी थी जब घटक दलों की बैठक हो रही थी।